मथुरा के पेड़े तो आपने पहले बहुत खाए होंगे, पर जो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वैसी मिठाई आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, जिसका नाम है बेसन रोल। बेसन रोल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। और इसमें मथुरा के पेड़े का मिल्क पेड़ा, मावा और बिल्कुल मोहन थाल जैसे दानेदार होता है, एकदम दानेदार ये बेसन रोल बनने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसन रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें 2 कप हम बेसन डाल लेंगे। बेसन डालने के बाद यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच दूध लिया है, ये गरम दूध है, बिल्कुल गरम दूध होना चाहिए यहाँ। और 2 बड़े चम्मच इसमें हम घी डाल लेंगे और अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे घी को दूध में। देखिए मिला लिया है मैंने इसको। अब हम बेसन में इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहेंगे और हाथों से बेसन को मसलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और अच्छे से मसलते रहेंगे। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से हम हथेली से इसे मसलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे हथेली से दबाते हुए अच्छे से मसल लेंगे इसको, जिसमें इसमें थोड़ा सा भी लम्स नहीं होना चाहिए। अब इस मिक्सचर को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 10 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें हल्की हल्की गुठलियाँ लग रही हैं, तो इसको एक बार और अच्छे से हाथों से मसल लेंगे हम, और फिर इसको हम छान लेंगे। छानने के लिए यह मैंने छलनी ली है, आप चाहें तो जिसे हम आटा छानते हैं वो छलनी भी आप ले सकते हैं। और चम्मच से इसको दबाते हुए या हाथ से दबाते हुए उंगलियों से हम इसको अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, छानने से क्या होगा, इसमें जो भी लम्स होंगे वो निकल जाएंगे और बिल्कुल दानेदार मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम दानेदार, देखिए बहुत ही अच्छा ये मिक्सचर बनकर तैयार होगा। ऐसे ही सारे बेसन को हम छान लेते हैं। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है, आप देख पा रहे होंगे एकदम दानेदार मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। अब हम बेसन रोल बनाने की तैयारी करेंगे। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है और 1/2 कप मैंने घी लिया है, तो डाल लेते हैं। घी के पिघलने के बाद जो बेसन का मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया है उसको डाल लेते हैं और अच्छे से इसको भूनना है। बेसन को हमें लगातार चलाते हुए ही भूनना है और बिल्कुल अच्छे से इसकी सिकाई करनी है, यानी कि इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है, जिसमें इसके मथुरा के पेड़े बिल्कुल हल्के से डार्क कलर के होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हम बनाने वाले हैं। तो इसे 15 मिनट लगातार लो फ्लेम पर हम अच्छे से पका लेंगे। बेसन को अच्छे से पकाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ। देखिए बेसन को मैंने लगातार 15 मिनट चलाते हुए पका लिया है। अब हम यहाँ इसमें दूध डालने वाले हैं, तो यहाँ मैंने 1/2 कप दूध लिया है। आप चाहें तो मलाई भी ले सकते हैं, जब हम दूध उबालते हैं तो ऊपर मलाई आ जाती है, वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ दूध लिया और दूध को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए हम 1-2 चम्मच डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर 1-2 चम्मच डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, जिससे मावे का इसमें टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है और 3/4 कप उसमें पानी डाल लिया है। अच्छे से चाशनी तैयार कर लेंगे। दस से 12 मैंने यहाँ केसर के धागे डाले हैं। केसर के धागे बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या केसर के धागे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उबाल आने के बाद 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से कलर इसमें आ गया है केसर का। अब चेक कर लेंगे। चाशनी में हल्का सा तार बनना ज़रूरी है,
देखिए हल्का सा इसमें तार, पूरा तार नहीं बन रहा है, हल्का सा तार इसमें खिंच रहा है। तो चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम चाशनी को साइड में रखेंगे। देखिए मिक्सर में हम अब चाशनी को मिला देंगे अच्छे से। जो बेसन का मिक्सचर हमने तैयार किया था, चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे से मिला देंगे और इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर गैस को बंद करेंगे। देखिए गैस मैंने बंद कर दी है, नीचे उतार लिया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैंने यहाँ नारियल का बुरादा लिया है जिसमें हम बेसन रोल को लपेट लेंगे अच्छे से। तो पहले हम बेसन रोल बना लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथों में लेंगे। अगर ये हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा घी आप लगा सकते हैं हथेली पे, और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। आप चाहें तो गोल बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे सिलेंड्रिकल बना सकते हैं। मैं यहाँ सिलेंड्रिकल शेप बना रही हूँ, यानी कि रोल बना रही हूँ। अच्छे से इसको देखिए, इसके अच्छे से शेप बना देंगे। प्लेट लेंगे और इस पर हम हल्के से हाथों से रोल करेंगे जिससे ये बिल्कुल अच्छे से सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। और अब हम नारियल के बुरादे में इसे अच्छे से लपेट लेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऐसे ही हमें सारे रोल बनाकर तैयार कर ली हैं। देखिए बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। और बना लेते हैं ऐसे ही। थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथों में लेंगे और अच्छे से दबाते हुए इसको गोल करेंगे हथेली से, और फिर हम इसको रोल कर लेंगे। प्लेट में रखेंगे और हल्के से हाथों से दबाते हुए हम इसको रोल करेंगे। सारे बेसन रोल बनाकर हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने 2 बनाकर दिखाए हैं, ऐसे ही हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। बेसन रोल बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं और खाने में एकदम टेस्टी हैं। आप भी ऐसे ही नई नई तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं। और सर्दियों का मौसम आ गया, सर्दी में बहुत सारी मिठाइयाँ हम बनाते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आप भी ऐसे ही मिठाई बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। इसमें मथुरा के पेड़े का, मिल्क पेड़ा, मावा का, मावे से जो मिठाई बनाते हैं, हर मिठाई का इसमें स्वाद है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो मैं डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आप भी बेसन रोल ऐसे इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से हमने इसको तैयार किया है, बिल्कुल जो घर में ही हमें आराम से मिल जाए उन्हीं चीज़ों से। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या सोशल साइट्स पे आप शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।